ताइवान की आजादी का समर्थन करने वालों को चीन ने क्या धमकी दी। ताइवान में फिर चीन ने की घुसपैठ। अमेरिका में चीन का जासूस को कोर्ट ने किस मामले में दोषी ठहराया है और क्या इजराइल आने वाले दिनों में ईरान पर हमला कर सकता है। इन सभी खबरों को जानने के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ताइवान के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन ने बड़ी धमकी दी है। चीन ने कहा है कि ताइवान के समर्थकों को कीमत चुकानी होगी। चीन ने हांगकांग में अपने कठोर कानून का हवाला देकर धमकी दी है कि ताइवान की आजादी का समर्थन करने वालों को प्रतिबंधों की लिस्ट में डाला जाएगा। चीन ने ताइवान के पीएम और वहां के संसद के अध्यक्ष के साथ विदेश मंत्री का नाम भी इस लिस्ट में रखा है। ताइवान में चीन ने कल भी अपने फाइटर जेट के जरिए घुसपैठ की है। ताइवान के दक्षिणी सीमा में घुसे चीनी सेना के एयरक्राफ्ट को ताइवान की वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हाल के दिनों में चीन लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रहा है, जिससे उसकी खतरनाक मंशा जाहिर हो रही है। इस बीच चीन ने अमेरिका को ताइवान के मसले में दखल का कड़ा विरोध जताया है। अमेरिका में एक चीनी जासूस को मशहूर एविएशन कंपनी जीई के इंजन का डिजाइन चोरी करने की कोशिश का दोषी पाया गया है। अमेरिका के ओहियो राज्य की एक अदालत ने यान जुन जू नाम के चीनी जासूस को दोषी ठहराया है। ये पहला चीनी जासूस है जिस पर मुकदमा चलाने के लिए उसे चीन से अमेरिका प्रत्यर्पित करके लाया गया है। चीनी जासूस ने जीई के विमान के इंजन के पंखे की डिजाइन चोरी करने की कोशिश की थी। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने यूक्रेन के पास रूसी सेना की बढ़ी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन के पास रूसी सेना की गतिविधि असामान्य रूप से बढ़ी है। रूस के एक्शन का हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस को उसका इरादा साफ करने को कहा है। इस मुद्दे पर अमेरिका अपने सहयोगियों से भी संपर्क में है। ईरान के पूर्व खुफिया प्रमुख अमोस याडलिन ने आशंका जताई है कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमोस याडलिन ने कहा है कि इजरायली सेना के पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की क्षमता है, लेकिन सबसे कठिन चुनौती तेहरान पर हमला करना नहीं है, बल्कि चुनौती उसके बाद आएगी। इजराइल कई बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम विस्तार को लेकर चिंता जता चुका है। इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन से बाहर डेरा डाले ईरान समर्थक शिया समुदाय के लोगों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हो गई। इस टकराव में कई शिया समर्थक घायल हो गए। ईरान समर्थक शिया मिलिशिया ग्रुप इराक में पिछले महीने हुए चुनाव के नतीजों में धांधली का आरोप लगा रहा है। इस चुनाव में शिया मिलिशिया गुट को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जर्मनी के बर्लिन में पिछले महीने रूसी दूतावास के बाहर मृत पाए गए युवक की पहचान हो गई है। मृत युवक रूसी खुफिया विभाग AFSB का अंडरकवर एजेंट था। पिछले महीने की 19 तारीख को बर्लिन में रूसी दूतावास की दूसरी मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। हालांकि मौत के पीछे किसी साजिश को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। मृतक के पिता जनरल एलेक्सी रूसी खुफिया विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इथोपिया में पिछले एक साल से विरोधी संगठन टाइग्रे के साथ चल रहे युद्ध के बीच इथोपिया की सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है। इस बीच सऊदी अरब की सरकार ने अपने नागरिकों से जल्द इथोपिया छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द इथोपिया छोड़ने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों गुटों से युद्ध विराम की अपील की है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद दक्षिणी एशिया में मुस्लिम कट्टरता बढ़ी है। एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि तालिबान के आने के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद भारत में भी कट्टरपंथी इस्लाम बढ़ रहा है। हाल में जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। मुस्लिम कट्टरता बढ़ने की वजह से ही पाकिस्तान में 55% लोगों ने तालिबान की कट्टरपंथी सरकार की वकालत की है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।